नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर से मैं एक्सपोज करने वाली हूँ तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार, यानी कि महाविनाश वसूली अगाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को और उनके साथ साथ उनके बड़ बोले नेताजी, उनके मुख्य वक्ता शिवसेना के संजय राउत को, और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि ये जो तीन लोग मिलकर के एक सरकार चला रहे हैं, ऐसी सरकार जिसको असल में सत्ता आसीन होना भी नहीं चाहिए था, वो किस प्रकार से एक के बाद एक कानून विधान संविधान को धता बता रही है, और लोकतंत्र को तो पूरी तरीके से वहां पर खत्म कर दिया गया है। लोकतंत्र तो है ही नहीं वहां पर, तो अराजकता है, ठोकतंत्र चल रहा है, ठूसो तंत्र चल रहा है, जिसको उठा जो आपके खिलाफ बोले, जो सच बोले, जो प्रश्न करे महाराष्ट्र की सरकार से, उसको ठूंस दो जेल के अंदर, नहीं तो रास्ते में पकड़ के ठुकाई कर दो, पिटाई कर दो। यही सब तो चल रहा है पिछले 1.5 साल से, आप और मैं तो देख ही रहे हैं, हम तो विटनेस कर ही रहे हैं ना ये सारी चीजें। किस मामले में हमने ये सब तमाशे इनके नहीं देखे, और लगातार मैं इस विषय पर बोलती रही हूं और आगे भी बोलती रहूंगी। निवेदन, इस वीडियो को भी आप लोग अंत तक देखिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जरूर कर लीजिएगा। क्या है ना, हिंदुस्तान जो चीज जिसके हिस्से की नहीं होती, अगर उसको वो किसी तरीके से कपटबाजी से मिल जाती है तो फिर वो जो पार होती है वो उनको पचती नहीं, और वही तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार के साथ हो रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, इस सरकार को तो मैंडेट मिला नहीं था महाराष्ट्र के अंदर शासन करने का, मैंडेट तो मिला था भाजपा को और शिवसेना को, लेकिन शिवसेना अति आतुर हो गई, शिवसेना इतनी स्वार्थी हो गई कि उनको मुख्यमंत्री बनना था तो उन्होंने जो अपनी प्री पोल अलायंस थी उसको तोड़ दिया, और जिन लोगों के साथ बाला साहब ठाकरे जी कभी नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन हो, कांग्रेस पार्टी उनके साथ चले गए। परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के हर इच्छा को खत्म कर दिया और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना था। और उसके बाद जो मंजर हम सबको दिखाया है महाराष्ट्र के अंदर, वो सिर्फ सर झुकाने का काम कर रहा है, सर ऊंचा करने का काम नहीं कर रहा है। मैं तो कहती हूं कि शिवसैनिक अपने नाम के आगे से हटा दो, बहुत समय से बोल रही हूं। आप लोगों ने देखा कि जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे भारतवर्ष के यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे जी को किस प्रकार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी का कारण आप सब लोग जानते हैं, एक टिप्पणी कर दी उन्होंने उद्धव ठाकरे जी के ऊपर, बोल दिया कुछ तो दिल पे लग गई, और इतनी बुरी तरीके से लगी कि नासिक के जो CP हैं उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तुरंत बिजली की गति से एक पुलिस की टीम का गठन किया, नारायण राणे जी के पीछे लगा दिया, और जब वो भोजन कर रहे थे, लंच कर रहे थे ब्रेक के समय पर यात्रा के बीच में, उस वक्त उनको भोजन भी नहीं करने दिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और खैर, गिरफ्तार करना, उठाना, लोगों के चेहरे पर काले कपड़े डाल करके उनको परेड करवाना, किसी के खिलाफ झूठे केसेस बुनना, उसके बाद लोगों को प्रताड़ित करना, परिवार वालों को पीटना, ये तो इनकी परिपाटी बन गई है, ये तो इनका चेहरा बन गया है, ये तो इनका शासन करने का स्टाइल बन गया है। तो वही एक बार फिर से हुआ, हालांकि उनको जमानत मिल गई, लेकिन सरकार का चेहरा देखिए। और उसके बाद जो तमाशा हुआ है, ये खुद को शिवसैनिक जो बुलाते हैं ना गुंडे, ये उतरा एक बार फिर से सड़क में, और उसके बाद इन्होंने लोगों की पिटाई करनी शुरू कर दी। बीजेपी के कॉरपोरेटर ने उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा, और उनको उनके ऊपर हाथ उठाया उठाया उनके बेटे की इतनी बुरी तरीके से पिटाई करी कि उस बच्चे का हाथ तोड़ दिया। बीजेपी के नेता कॉरपोरेटर से दुश्मनाई है तो मार दिया। पहली बार तो हाथ उठाना शिवसैनिकों की क्या मतलब, क्या समझ के रखा है इन्होंने, कानून अपने हाथ में ले लेंगे, इनके नेताजी के लिए कोई कुछ बोल देगा, लोगों को पीट देंगे, लोगों के सर फोड़ देंगे, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कोई भी हो, है तो महाराष्ट्र का नागरिक, इस देश का नागरिक, कैसे हाथ उठा सकते हो भाई। और पॉलिटिकल राइवलरी के चलते हुए आपने उन पर हाथ उठाया, बेटे का क्या कसूर था कॉर्पोरेटर साहब के, उनके बेटे को क्यों पीटा, उसका हाथ क्यों तोड़ा, जवाब देंगे। और ये सारी चीजें होती रही, सरकार चुपचाप आठ मुंदे बैठी रही। उसके बाद जब बहुत हल्ला हुआ, मीडिया हाउसेस ने बात करी, सोशल मीडिया पर बात हुई, तब जाके उनकी सिंबॉलिक गिरफ्तारी होती, सारे के सारे छूट जाएंगे। हमने पहले देखा है जो एक नेवी वेटरन को पीटा गया था, वहां पर किसको गिरफ्तार किया था, और अर्णब गोस्वामी जी के साथ जो हुआ, किस जब ऐसे अटैक हुआ तो किसको गिरफ्तार किया गया, तो ये तो आई वॉश है इनका, यही तो भेजते हैं इन लोगों। और उसके बाद अगर नेताजी के लिए कुछ बोल दिया जाए तो इनके मुख्य वक्ता भड़क जाते हैं। खुद आपके ऊपर एक टिप्पणी कर दी गई तो इतना बुरा लगा कि यूनियन मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब
उद्धव ठाकरे ने स्वयं एक बहुत ही गंदी छोटी ओछी घटिया निम्न स्तर की शब्दावली का इस्तेमाल किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, तब आत्मा नहीं जगी थी? तब दिल में दर्द नहीं उठा था? तब योगी जी ने तो उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार नहीं करवाया? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में खराब नहीं हुई थी? किसी ने सड़क में आकर के किसी शिवसैनिक को पीटा तो नहीं था? तब तो ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि ये फर्क है, ये संस्कार है योगी जी के, ये संस्कार है भाजपा के, और ये इनके संस्कार हैं, ये इनकी सच्चाई है, ये इनका असली चेहरा है। हमारे ऊपर उंगली उठाओगे तो उंगली तोड़ देंगे, आंख उठा के देखोगे आंख फोड़ देंगे, वो जुबान खोलोगे जेल के अंदर ठूंस देंगे, बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं इनको ठूसो तंत्र और ठोक तंत्र की सरकार बोल रही हूँ, लोकतंत्र तो कहीं है ही नहीं वहां पर। और उसके बाद योगी जी के बारे में इतनी गंदी शब्द, इतनी गंदी टिप्पणी करी, जिसको मुझे बोलने में भी शर्म आती है, लेकिन आज मैं बोलूंगी। उद्धव ठाकरे जी ने बोला था योगी जी को चप्पल चप्पल मारो, सुनने में और बोलने में गंदा लगता है, और उसको संजय राउत जस्टिफाई करते हैं। किसके नाम पर करते हैं? परम आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करते हैं। पहले तो मैं इन लोगों को यह बता दूं कि शिवाजी महाराज को अपनी पपौती समझना बंद करिए। शिवाजी महाराज इस देश की आन बान और शान है, आपके और मेरे भी हैं, इन शिव सैनिकों के नहीं। इस देश का गरिमामय गौरवमय इतिहास है, हमारा सम्मान है। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर किसी ने अवहेलना करी है तो वो सो कॉल्ड जो आज अपने आप को शिव सैनिक बुलाते हैं, उन्होंने करी है टॉप टू बॉटम। शिवाजी महाराज अन्याय के खिलाफ लड़े, जिन लोगों के साथ गलत हुआ उनके साथ खड़े हुए, और यहां पर इस वक्त की जो सरकार है और जो ये सो कॉल्ड शिव सैनिक खुद को कहते हैं, वो सब न्याय के लिए जो लड़ते हैं, न्याय की बात जो करते हैं, उनके साथ अन्याय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वंशज मत बोला करो अपने आप को शिवाजी महाराज का। और दूसरी बात, भगवान शिव का नाम भी अपने नाम के आगे से हटा दो, शोभा नहीं देता है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ। बाला साहब ठाकरे जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, पूरी जिंदगी करती रहूँ, उनके संस्कारों को खत्म कर दिया। आपके लिए कोई कुछ बोले तो उसको जेल में ठूस दो, लोग अराजक तरीके से सड़कों पर आकर के मार कुटाई कर दें, जंगल राज है, तमाशा बना के रखा हुआ है। तालिबान बनने की इच्छा है क्या? तालिबानी बनने की इच्छा है, और आप बोलेंगे कि हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया? जब कंगना ने पीओके जैसी फीलिंग बोला था तो कंगना के ऊपर आपको याद है कैसे कैसे धाराएं लगा दी गई थी? योगी जी ने तो कुछ नहीं किया आपके ऊपर, बाकी मोदी जी के बारे में इतनी बातें की गई हैं, कभी किसी ने कुछ नहीं किया? अरे भैया, सुनने की शक्ति नहीं है तो छोड़ दीजिए ना सत्ता, घर में बैठ जाइए। किसी ने जबरदस्ती तो आपको इस गद्दी में नहीं बिठाया, छीन के बैठे हैं आप तो जालसाजी करके, छोड़िए और घर में बैठिए। क्योंकि अगर सत्ता आसीन रहेंगे तो जनता का क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ेगा, बातें भी सुननी पड़ेंगी, और अगर नहीं सुनना चाहते तो हर चीज करेक्ट कीजिए, उसके बाद दूसरों पर उंगली उठाइए। आप लोगों को शोभा नहीं देता जो कानून विधान संविधान सब कुछ खत्म कर दिया है, उन लोगों को इस तरीके का आचरण शोभा नहीं देता। मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, अगले वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।